हेलो यार, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आज मैं वापस से लेके आ गया हूँ टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऊपर। और आज कौन सा स्टेट है, जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, डेट इज दिल्ली, जहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है, उस कॉलेज वो कॉलेज भी इसमें आने वाला है। तो यार टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यार वीडियो को स्टार्ट करूँ से पहले मैं एक चीज बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं थोड़े से इनसाइट्स भी दूंगा कुछ कॉलेजेस के, और साथ ही साथ क्या कहते हैं एवरेज पैकेज और फीस तो मैं बताता ही हूँ, साथ साथ इसमें प्रोसेस, जैसे आपने बोला था कि भैया प्रोसेस बता देना कि किससे के थ्रू एडमिशन होता है यहाँ पे, तो वो भी बताऊंगा। तो चलो यार बिना देरी करे स्टार्ट करते। तो यार पहले रैंक पे जो आता है ना, अगर IIT है जिस स्टेट में, तो IIT तो फिक्स होगी होगी। तो पहला है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली सब जानते हैं काफी अच्छा कॉलेज है। और ओवरऑल अगर एवरेज पैकेज की बात करोगे ना, IIT पूरे ओवरऑल सारे ब्रांच को मिला के बोल रहा हूँ मैं, सब CSE का नहीं बोल रहा, तो सर 13.8 लाख के आसपास एवरेज पैकेज होता है। कभी भी IIT दिल्ली ने अपना खुद का ऑफिशियल वो नहीं जारी किया है कि उनका कितना होता है, लेकिन जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होते हैं और जो बाकी जो बच्चे स्टूडेंट रिव्यूज देते हैं उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, डेट इज ओवरऑल 13.8 लाख का एवरेज पैकेज होता है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ CSE का कितना जाता है, तो CSE का जाता है 19 to 21 लाख के बीच में कहीं लाई करता है एवरेज पैकेज इसका CSE के। और फीस कितनी देनी है, फीस देनी है आप लोगों को 2,16,000 रुपए एक साल की। ये जो तीन कॉलेज आ रहे हैं ना, उसको मैं रैंक नहीं दे रहा, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई रैंक नहीं दे रहा, आप इसको खुद ऊपर नीचे कर लीजिएगा इसकी रैंकिंग, क्योंकि ये जो कॉलेजेस है ना, कोई एक कॉलेज कभी ऊपर जाता है, कोई दूसरा कॉलेज ऊपर चला जाता है। और इसमें से इन तीन में से जो दो कॉलेजेस है ना, वो इतने बड़े राइवल एक दूसरे के, यानी आप समझो एक मैसी और लिनार्डो वाला सीन है उसके अंदर, ठीक है। तो कोई भी मैसी हो जाता है, कोई भी लिनार्डो हो जाता है, तो इसलिए क्या कहते हैं इनकी राइवलरी इतनी तगड़ी है कि हम लोग कुछ बोल नहीं सकते इन दो कॉलेजेस के। एक उसमें से मेरा कॉलेज है और एक और कॉलेज है, मैं उसको आप समझ गए होंगे कौन सा कॉलेज है। और एक नया बच्चा बीबी बन के आया था, वो इन दोनों जो पुराने शेर है उन दोनों पर भारी हो रहा है ड्यू टू अकेडमिक्स वगैरह। तो चलो बिना देरी स्टार्ट करते हैं, वो बाकी तीन कॉलेजेस कौन से हैं जो टू सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक पे आप अपने हिसाब से उसको लगा सकते हैं। तो भाई उन तीन कॉलेज में सबसे पहले कॉलेज का नाम लेते हैं, वो है IIIT दिल्ली। IIIT दिल्ली में सूरज पढ़ते थे, जो ऑलरेडी कॉलेज ऑप्शन में दूसरा सूरज जो भैया आपको जो कई सारी वीडियो बताते हैं आपको अभी ITSRM को, तो उसमें सूरज पढ़ता था IIIT दिल्ली के अंदर। और वो पहला यूट्यूबर था IIIT का जो यूट्यूब पे आया था। एंड अगर हम बात करें इसका एवरेज पैकेज कितना रहता है, ओवरऑल की बात करो ना पूरे कॉलेज की, तो वो है 16.97। एक्चुअली इसके अंदर जो ब्रांचेस है वो CS रिलेटेड है, EC, तो आप समझ सकते हैं इसका एवरेज पैकेज काफी तगड़ा होने वाला। ओवरऑल एवरेज पैकेज 16.97 है, जबकि अगर मैं CSE की बात करूँ तो 18.5 लाख के आसपास का रहा है 2020 के अंदर। जबकि फी की बात करूँ, जो अब 2020 में जो आपको पे करनी होगी इस कॉलेज के अंदर, वो होगी 3,75,000 रुपीज पर ईयर। लेकिन हाँ, इसके अंदर क्या कहते हैं फी रेमिट मिल जाता है अगर आपकी फैमिली इनकम कुछ उसके अंदर है, कॉलेज के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं जाके कि कुछ इनकम के नीचे है, अगर 6 लाख या 8 लाख कुछ ऐसे है, तो उसमें 50% का रिबेट मिलता है आपको। तो आपकी जो फीस है वो वापस से वही DTU और NSIT के। फिर जो दो कॉलेजेस हैं बचे हैं, तीन में से वो एक है DTU और एक है NSIT, यानी अब उसका नाम NCUT हो चुका है। दोनों एक दूसरे के राइवल है, मैसी और लिनार्डो। आप बोल सकते हैं कि भैया आपको यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला कहना चाहिए था, मैं यार क्यों कहूँ सो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला, क्योंकि पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया के साथ, कोई है ही नहीं कंपैरिजन का। तो इसलिए मैं मैसी या लिनार्डो के बेसिस पे कह रहा हूँ। तो ये DTU की पहले मैं बात करूँ, तो DTU का ओवरऑल जो पैकेज जाता है, ओवरऑल 2020 का ओवरऑल 20 लाख के अप्रॉक्स रहा था, ठीक है। वो जनवरी तक का जो उन्होंने डेटा शो किया था, उसके बाद भी होता रहा है, कहते हैं प्लेसमेंट चलती रही है, बिकॉज अभी लॉकडाउन के बाद काफी कुछ सीन्स हुए हैं कॉलेज के अंदर। तो 12 लाख का एवरेज पैकेज रहता है इसका अप्रॉक्सीमेटली ओवरऑल। लेकिन अगर CSE की सिर्फ बात करूँ, सिर्फ CSE की, तो वो 18 लाख के अप्रॉक्स रहा था। और इसकी एक साल की फीस जो थी वो 1.66 लाख थी लास्ट ईयर तक, 1.6 लाख के आसपास 2019 में। इस बार कितनी होने वाली है वो उन्होंने अभी तक रिलीज नहीं किया। वही मैं NSUT की बात करता हूँ, तो NSUT के अंदर क्या है, डेटा जो मुझे मिला है वो 2020 का नहीं है, 2019 का है। उसका एवरेज पैकेज जो गया था CSE का, ओवरऑल नहीं मिला मुझे, CSE का जो मिला है वो है 14 to 15 लाख के आसपास कहीं लाया करता है। लेकिन इसके जो हाइएस्ट पैकेज है, यहाँ पे काफी बच्चों के निकलते हैं, लेकिन जो उसका एवरेज पैकेज है CSE का वो है 14 to 15 लाख। और जबकि इसकी जो फीस है वो 1.66 लाख था 2019 के अंदर। तो फिफ्थ रैंक के, तो फिफ्थ रैंक के वापस एक नया कॉलेज है NIT दिल्ली। ये दर दर भटकता रहा कई सालों तक, अब जाके इसको एक परमानेंट कैंपस मिला है 51 एकड़ का, जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूँ एवरेज पैकेज की, तो ओवरऑल जो पूरे कॉलेज के एवरेज पैकेज है यार, वो 7 लाख है, जबकि CSE डिपार्टमेंट का 9 लाख से 11 लाख के बीच में वैरी करता है। और इसको मैंने फिफ्थ रैंक पे इसलिए रखा है क्योंकि इसको अभी सीधा सीधा अभी जाके इसको अपना परमानेंट वो मिला है, आपको क्या कहते हैं परमानेंट कैंपस मिला है इस समय। और लेकिन वो आने वाले 3-4 साल के अंदर ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि है ये NIT,
ठीक है, फीस की बात करो ना एनआईटी दिल्ली की, तो उसकी फीस है 1.5 लाख। अब इसके बाद हम आते हैं, वो है IGDTU वुमेन्स, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वुमेन्स के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए। पहले एक्चुअली ये जो IGDTU का जो पहले जो DTU जो आज रोहिणी में, पहले वो यहाँ पे होता था इसके कैंपस के अंदर, उसका कैंपस छोटा है। तो जब इसको एक्सटेंड किया गया तो रोहिणी के अंदर ये कैंपस आ गया, हमारा जो मेन जो DTU है, और इसको सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए बना दिया गया IGDTU को। और इसकी जो ओवरऑल पैकेज है, ओवरऑल वो है 6.5 लाख, जबकि CSE का जो एवरेज पैकेज आता है वो 9 लाख के आसपास जाता है। और फीस जो है यार IGDTU की, वो है 95,000 रुपीज के आसपास एक साल की आपकी फीस रहती है। तो यार थोड़ा सा आज वीडियो में थोड़ा सा नॉइस का इशू रह सकता है, क्योंकि आसपास काफी काम चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के। तो यार ऐसे हम बात करें तो यार USICT है 7th रैंक पे, जिसको आप GGSIPU के उससे भी जानते हैं, जो द्वारका में जो आपका इसका मेन कैंपस है जो GGSIPU का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसका जो एवरेज पैकेज रहता है वो 5.5 से 6 लाख के बीच में रहता है, जबकि फीस आपको एक साल की 70,000 रुपीज आपको पे करनी है। और अगर हम बात करें यार इसके बाद कौन सी रैंकिंग है, तो जामिया, तो भैया आपको जामिया को ऊपर नहीं रखना चाहिए था, बिकॉज उसके एक तो फीस कम है, 9,000 रुपीज़ है पूरे साल की, सही सुन रहे हो, 9,000 रुपये पूरे साल की। और इसका जो एवरेज पैकेज है वो 6 से 7 के आसपास रहता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, काफ़ी नाम भी है जामिया का, लेकिन दिक्कत ये हुई, देखो 2019 तक का तो 6 से 7 के आसपास का, दिक्कत ये हुई कि आप सबने देखा है कि लास्ट दिसंबर से क्या चल रहा था जामिया के अंदर, एंड उसके बाद क्या कहते हैं फिर प्लेसमेंट रुक गया दिसंबर के बाद कॉलेज के अंदर जामिया में। और कई सारी कंपनीज ने, कई कोर कंपनीज ने जामिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया, और वहाँ के बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इस समय ऑफ कैंपस में ट्राई करने के लिए। एक्चुअली मेरा तो यार मेरा दोस्त यार इसी कॉलेज में पढ़ता था जामिया के अंदर, और वो इसी साल पास आउट हुआ है, और वो इस वही मुझे ये सब चीज़ें बता रहा था। वो उस पर स्टूडेंट रिव्यू वीडियो आएगी जामिया पे, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, उसको अभी तक डिग्री नहीं मिली है वहाँ से, तो इसलिए वो अभी बनवा नहीं रहा है, तो 1-2 महीने के अंदर आ जाएगी। और दूसरी एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मैंने अभी तक जितने कॉलेजेस बताए उसके अंदर मैंने एडमिशन प्रोसेस नहीं बताया है, तो IIT दिल्ली का तो JEE एडवांस के थ्रू आपको देना है, बाकी NSUT, DTU और आपका क्या कहते हैं IIIT दिल्ली, इन सबका JEE मेंस के थ्रू होता है। इवन IGDTU का JEE मेंस के मार्क्स पे होता है, NIT दिल्ली का भी JEE मेंस के थ्रू होता है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि IGDTU, IIIT दिल्ली, DTU और NSUT, इनका जैक दिल्ली के काउंसलिंग के थ्रू होता है। मैं काउंसलिंग में वीडियो निकाल दूंगा उसे, इनका जोशा की काउंसलिंग नहीं होती। JEE NIT दिल्ली के लिए जोशा की काउंसलिंग के थ्रू आप जाते हैं, और IIT के लिए भी जोशा की काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं, जबकि USICT की जो काउंसलिंग होती है ये भी JEE मेंस के उस पे लेता है, लेकिन इसकी जो काउंसलिंग होती है वो IPU की काउंसलिंग होती है, वो अलग काउंसलिंग होती है। जैसे उसका डेट आएगा मैं वीडियो रिलीज कर दूंगा। और जामिया का जो एग्जाम जो जामिया का होता है वो भी JEE मेंस पे लेता है, लेकिन उसका जो होता है उसकी खुद की अलग से काउंसलिंग होती है, जामिया की काउंसलिंग अलग होती है। फिर बात करते हैं 9th रैंक में क्या आता है, तो 9th रैंक में आता है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। महाराजा अग्रसेन रोहिणी के अंदर ही है, DTU से थोड़ा सा दूरी है ये। और अगर मैं बात करूँ इसकी एवरेज पैकेज की, तो इसका एवरेज पैकेज पूरे कॉलेज का, पूरे कॉलेज की बात करूँ 5 लाख के आसपास रहता है। और अगर मैं फीस की बात करूँ तो 1,15,000 रुपीज़ के आसपास आपको फी पे करनी होती है एक साल की। अगेन इसका भी IPU के काउंसलिंग के थ्रू होता है, और JEE मेन का मार्क्स आपको यहाँ पे JEE मेन की रैंक लगनी है। यहाँ पे की बात कर ले तो 10th रैंक पे आती है अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। अगर हम बात करें इस कॉलेज की, तो ये गीता कॉलोनी के अंदर है दिल्ली के अंदर, और थोड़ा सा जो लोकेलिटी है कॉलेज की थोड़ी सी सही नहीं है, थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ें, अगर लोकेलिटी की बात करूँ तो ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन हाँ कॉलेज अच्छा है। कॉलेज की बात करूँ तो इसका एवरेज पैकेज 4 लाख के आसपास का है, और इसकी जो फीस है वो 58,000 रुपीज़ पर ईयर इसकी फीस है। अगेन इसका JEE मीन्स के उस पर मार्क्स पे होना है, और इसकी जो काउंसलिंग है वो IPU के थ्रू होनी है। लेकिन अब काफी बच्चे बोल रहे हैं भारतीय विद्या तो महाराजा सरोजमल का गया, तो है वो भी है। एक्चुअली क्या है, ये जो अम्बेडकर कॉलेज है और आपका महाराजा सूरजमल है और आपका भारतीय विद्यापीठ है, तीनों एक जैसे ही हैं, तीनों एक ही लेवल का समझिए, क्योंकि एवरेज पैकेज तीनों का आसपास ही सेम ही होता है। और लेकिन क्या कहते हैं, सिर्फ फीस है अम्बेडकर की थोड़ी सी कम थी, तो और ऊपर से गवर्नमेंट है इसलिए मैंने इसकी प्रेफरेंस ऊपर दी है, और बाकी उसकी फीस 50,000 एक्स्ट्रा है, इसे थोड़ा सा नीचे रखा है उन दोनों का, लेकिन है तीनों लेवल एक ही लेवल के, तो आप तीनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो कॉलेज से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ यार आपको कोई भी अपने स्टेट की चाहिए तो आप नीचे उसके लिए कमेंट कर सकते हो। हाँ हरियाणा और अगर कहते हैं कुछ बच्चों ने गुजरात के लिए बोला था, महाराष्ट्र के लिए भी काफी बच्चों ने बोला है, तो महाराष्ट्र ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और उसका सेकंड पार्ट जल्दी सुबह लेके आ जाएगा। बाकी थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक जरूर करना, और इसका लाइक टारगेट रहेगा यार 125 लाइक्स इन 1,000 व्यू। थैंक यू दोस्तों।